तो बस शुरुआत की है, जीतने को पूरी दुनिया पड़ी है। मैं खुश हूँ जो आपकी दुआ लगी है, फिर भी पता नहीं क्यों आंखों में नमी है। एक तेरा ही दरबार सजा, बाकी सब। हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है आपके? ठीक हो? बढ़िया हो? बस बढ़िया ही। रवाज, फिर एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है, वो भी कीमा के साथ में। अब कीमा थोड़ी थोड़ी रिकवर कर रही है, थोड़ी थोड़ी ठीक हो रही है। फिर भी अब इसको डॉक्टर के पास लेके जा रहा हूँ मैं, एक बार प्रॉपर चेकअप करा दूँ। चार दिन हो गए दिखाया था, उन्होंने कहा था 3-4 दिन बाद एक बार आ जाइयो, तो अभी इसको लेके जा रहा हूँ। लेके आके इसको एक टॉय लेके देना है, मैंने इसको प्रॉमिस किया ना। कौन सा टॉय लेना है आपको? क्या बेटे, ऑफिस में भूल गया था? मैंने अभी लिया ही नहीं था, अभी दूसरा न्यू लेंगे। आप साथ में चलना शॉप में, ठीक है? कौन सा टॉय लेना है आपको? कौन सा लेना बताओ? मेकअप सेट चाहिए भाई, मेकअप सेट चाहिए कीमा को। पहले मेकअप सेट लेके दूंगा, और कीमा को मैंने प्रॉमिस किया है कि माँ आज कल में पूरी ठीक हो जाएगी ना, जब फिर मैं इसको वाटर पार्क भी लेके जाऊंगा। और कहाँ पे जाना है आपने? और इसको डकडक घूस भी जाना है। डकडक घूस में क्या होता है वैसे? राइड्स होती है। और क्या होता है, कैसी राइड्स होती है? फर्स्ट फ्लोर में बच्चों की राइड्स होती है। अच्छा, सेकंड फ्लोर में बड़ों की राइड्स होती है। आप गए हो वहाँ पे पहले कभी? नहीं गए। फिर आपको कैसे पता? आपने वीडियो में देखा था किसी की, या कैसे पता लगा आपको? न्यू में कैसे? चलो अभी मैं बस कीमा को लेके जा रहा हूँ, सिमरन बाहर आ रही, तब तक मैं इसको छोटा सा राउंड दे रहा हूँ। तो कीमा को अभी हम डॉक्टर पास लेके आए हैं। वैसे ठीक हो ना आप? अभी फर्क है कुछ आपको? अभी बाकी डॉक्टर आंटी देख के बता देंगे क्या करना है, ठीक है ना? अभी हम वेट कर रहे हैं हमारे डॉक्टर के पास। क्या बोलते हो आप, ठीक है? तो अभी बस कीमा को डॉक्टर के यहाँ से लेके निकला ही हूँ। जस्ट डॉक्टर ने चेक कर लिया, कीमा ठीक है, पर आज थोड़ा सा इसको गले में इन्फेक्शन आया है, जिसकी वजह से इसको फीवर हो रहा है ना। तो डॉक्टर ने बोला है खेलो कूदो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, पर रेस्ट भी थोड़ा सा करने को बोला है। अब मैं जा रहा हूँ, कीमा को पहले कुछ खिलाऊंगा, उसके बाद फिर कीमा को एक टॉय मिलेगा। टॉय भी लेना आपको? हाँ, कौन सा टॉय लेगा? आप बता चुके हैं सबको? पता नहीं। तो बाकी ये है कि आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू। मुझे नीचे कमेंट मारे हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज आए हैं, जिनका मेरा नंबर था, उन्होंने व्हाट्सएप भी किया है कीमा की हालचाल के लिए। मतलब मेरे को नहीं, आप लोगों को भी टेंशन थी कीमा की, तो बहुत बहुत थैंक यू आप लोगों ने केयर की कीमा की। तो कीमा में थैंक यू बोलना चाहेगी। हाँ, थैंक यू। मेरे को भी बहुत लोगों ने मैसेज किया, कईयों ने लिखा है कि मतलब डेंगू टेस्ट भी कराना जरूरी हो तो करा लो, एडवाइस भी करे हैं, तो थैंक यू सो मच। थैंक यू। बाकी बस अब इसको टॉय लेके दूंगा, फिर इसको गुरुद्वारे लेके जाएंगे मत्था टिकाने के लिए, वहाँ से फिर घर जाएंगे। और कहीं जाना है आपको? कहाँ पे? छोटे शॉटल भी जाना है, तो छोटे शॉटल भी जाना है उसको बाइक पे। और किम्मा, आपके तो मजे हो गए। मजे कैसे हो गए भाई, 10 दिन की छुट्टी बोल दी डॉक्टर ने इसको, स्कूल नहीं जाना आपको 10 दिन है। किम्मा खुश हो रही है बहुत ज्यादा, खुशी देखो 10 दिन स्कूल ना जाने की। चलो बस अब निकल रहे हैं। तो अभी किम्मा आई है इडली वड़ा खाने, डॉक्टर आंटी ने बोला आप इडली वड़ा खा सकते हो, ठीक है? इडली सांभर खा लो। हाँ, इडली सांभर खा लो, ठीक है मम्मी? आपका तो सारे डोसा खाने आए हैं प्लेन, क्योंकि साउथ इंडियन बड़ा लाइट फूड है तो खा सकते हैं। डॉक्टर ने बोल दिया कि मन को भी प्रॉब्लम नहीं, खा सकते हैं, ठीक है? अच्छे से खा लेना। वो इडली सांभर कैसे लगा? अच्छा लगा ना? अब आप मेडिसिन लेने जा रहे हैं, दवाई खा के फिर हम गुरुद्वारे बसा टेकेंगे, फिर घर जाएंगे, ठीक है? दवाई लेंगे ना, अभी दवाई खा के बोला तो आपको, ठीक है? तो ये देखो कीमा क्या कर रही है ऑफिस में, सारे कलर कर दिया। ये मार्कर होता है, ये वो हाईलाइटर होता है कीमा, कलर नहीं है ये। क्या कर रहे हो आप? अभी कीमा का दवाई पीने का टाइम है ऑफिस में, है ना? हाँ जी मम्मी, पहली बार इस ऑफिस में आए हो, कैसा लग रहा है? सही लगा ऑफिस? देखो चाय ले आया आपके लिए। मतलब आंटी जी को खाली चाय पिलाएगा तू? ओए, तेरे घर पे आई है, तू चाय पिलाएगा? क्या खिलाएगा उनको बता? तो मांगना पड़ेगा, कोई घर पे मेहमान आता है तो मांगना पड़ता है, मतलब है मांगना पड़ता है। खाना बनता, कुछ पूछने का? चाय की जरूरत थी। चाय की? भाभी की तो मम्मी की इज्जत नहीं करेगा ना, तो भाभी तेरे को छोड़ेंगे नहीं। उतारा हूँ भैया, मैं तो पहले आपके साथ चाय लेके मैंने पूछा, चाय पियो के बना के मुझे ये घर पे बोलते हैं तू ऑफिस जा, मेरे को तो इस ऑफिस से निकाल दिया है उस दिन तेरे सामने। मैं आया भी नहीं, आया हूँ देख ले, कब्जा कर लिया औरत ने। सिमरन ग्राफिक, सिमरन मालिक बैठी है सामने। वो खुश है तू? हम तो कहते हैं भाभी आके बैठे। अच्छा, मैं निकल जाऊँ? हम तो नहीं कह रहे निकल जाएंगे, तू मतलब तो वही है। मुझे कहते हैं तेरे से दुखी आ जाएंगे ना, वो लोग कभी मेरे से दुखी ना।
हाँ तो उसका ही है मालिक, तो वही है। चलो अभी किमन दवाई पी रही है, वो देखो पियो की माँ, नहीं डर लगता पियो, देखो सब देख। तो कस्टमर तो बहुत सारे आते हैं अपने पास, जब अपना सब्सक्राइबर भी कस्टमर आता है ना, बहुत अच्छा लगता है। तो भाई तो हमारे ब्लॉग देख के आए हैं, सारे देखते हो सर? बिल्कुल, हमारे घर में पहले जमाने में होता था, सुबह उठते थे तो आरतियाँ शुरू होती थी, और आजकल ब्लॉग चलते हैं, शुरू होते हैं, वो भी सन्नी बाजी के सब जगह ही। थैंक यू, थैंक यू सर, इतना प्यार आप लोग देते हो। वाइफ आपकी फैन है बहुत, और जब मर्जी सर की भी, सिमरन जी की भी, वो देख रही होगी ब्लॉग तो बड़ा खुश होगी, वो खुश भी होंगी और फिर से लड़ाई भी करेगी कि मुझे क्यों नहीं लेके गए। मेरी जब मर्जी ले आओ सर, कोई दिक्कत नहीं, एनी टाइम जरूर मैं आपके करने की बात एक बार आऊंगा लेकर के। पक्का पक्का सर, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। थैंक यू जी। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि वीडियो में जितने स्मार्ट लगते हैं उससे ज्यादा स्मार्ट रियल में लगते हैं। कहां सर मजाक कर रहे हो आप? बिल्कुल ये तो सर ने मजाक कर दिया, बहुत बड़ा वाला आज वैसे। नहीं नहीं बढ़िया बढ़िया, पर्सनैलिटी अच्छी है। थैंक यू, थैंक यू सर। मतलब कोई बंदा मेरी तारीफ कर रहा है, अगर वो सब्सक्राइबर आए उन्होंने मेरी तारीफ कर दी, आप हंस के हो रहे हो क्यों मम्मी? उन्होंने बोला स्मार्ट लगता हूँ तो ये हंस के हो रही है, मैं स्मार्ट नहीं हूँ। मैं तब उड़ते कभी ना प्रधान जी करते पति की तारीफ, ये बात तो ब्लश करूंगा मैं, तारीफ हो रही है। वो कह रहे हैं यूट्यूब पर स्मार्ट लगता है, स्मार्ट लग रहा हूँ आज मैं, खुश होना चाहिए है ना। पापा स्मार्ट है नहीं है, डर लग रहा है उसको, डर नहीं लग रहा, डर अभी खत्म करता हूँ, मैं पकड़ खिलाता हूँ। देखो कि माँ प्रिंटिंग ऐसी होती है, आपने पहली बार देखी है ना आज, है ना? कहाँ देखी थी? गाने में देखी थी आपने? तो अभी देखो, अभी रियल में देख लो आप क्या, ये अभी कोई दुकान का बोर्ड बन रहा है, किसी अंकल की दुकान का, देख लो ना कैसे बनती है। जैसे कि माँ को प्रॉमिस किया था टॉय मिलेगा, टॉय लेने आयो, कौन सा टॉय लेना है? आपको कौन सा चाहिए? आपको चाहिए ये, काम का है आपके, ये डॉल फाइनल है, ठीक है, पसंद है आपको? चलो फिर, ये बाप दे लो ना, चलो तो ये देखो रकाबगंज गुरुद्वारे में एक सेट बनाया जा रहा है कोविड के टाइम का, जैसे कि कैसे सिखों ने यहाँ पे मतलब पूरी सेवा की थी कोविड केयर सेंटर बना के, वो ऑक्सीजन सिलेंडर पड़े हुए हैं, ये स्ट्रेचर बेड लगाए हुए हैं। तो कल यहाँ पे शूटिंग होनी है एक सीरीज की, गुरुद्वारे मथा टेक लिया आपने, मथा टेक लिया, बाबा जी के दर्शन कर लिए, कैसा फील हो रहा है? अच्छा लग रहा है ना कि माँ को आज गुरुद्वारे बाबा जी के दर्शन करा के बहुत अच्छा लग रहा है। मम्मी आपको मंगा था, बहुत टाइम बाद गए आप तो। फर्स्ट टाइम गई, मेरे को डेढ़ महीने में फर्स्ट टाइम गई, फर्स्ट टाइम गई मम्मी आज, मतलब फर्स्ट टाइम इतना टाइम जब से आए रहने उनका हो नहीं पा रहा था, जम्मू चले गए बीच में, फिर कुछ ना कुछ चालू है, बच्चों के एग्जाम्स, अनीशा के एग्जाम्स, फिर उसके चक्कर में दिल्ली चक्कर नहीं, तो बस अब घर पे जा रहे हैं, घर जाके देखते हैं थोड़ा बहुत उसको, शाम को एक गाड़ी में राउंड दे आए तो दे आए, है ना कि माँ? अब थोड़ा सा बेटर फील कर रहे हो ना? जयपुर क्या राउंड है? जयपूर, जयपुर अभी आप पूरा टीवी में खुद चलेंगे। एक दिन में आए, एक बार पर राउंड नहीं जाएंगे, नहीं नहीं। अच्छा राउंड नहीं जाएंगे? एक दिन में आ जाएंगे। एक दिन में आ जाएंगे? सुना नहीं हो जाके? नहीं। अभी थोड़े से और ठीक हो जाओ, पूरे ठीक हो जाओगे ना, फिर पापा आपको जयपुर लेके जाएंगे, ठीक है? घूमने नहीं। क्या? राउंड लेने। हाँ राउंड लेने जाएंगे, ठीक। वाओ किमा की डॉल न्यू वाली, उल्टा खोल रहे हो आप? खोलो, अच्छी डॉल ये, कैसे खेलोगे इसके साथ आप? चलो पापा मार्केट होके आ रहे हैं थोड़ी देर, फिर अभी राउंड लेने चलेंगे रोटी खा के, ठीक है? हाँ ड्रेस पहने, अंदर पेटीकोट पहना है उसने। Thank you.
इसको साथ मारूंगा समझ गया। तो देखा आपने मतलब सिमरन ले कितना प्रोटेक्टिव है, उसको कुछ करने नहीं देता। मेरी थोती की माने लोती खाली। हाय तोतू, किससे बात कर रहे हो वीडियो कॉल में? कौन है इतना जी से बात कर रहे हो? वेरी गुड, चलो राउंड देके आऊँ आपको। डॉल को आप सुला रहे हो कैसे? ऐसे कैसे होती है डॉल? सुला दो उसको, छोटा बच्चा कर दो, छोटा बेबी। छो जा, कैसे करते हैं? छो जा। चलो चले। तो ये हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, हमको अभी मिले हैं साइबर अब में। और भी जी सही बंदे ब्लॉग सारे, थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू। थोड़ा ना सपोर्ट है ना, प्यार है, बस वही है। थैंक यू, थैंक यू जी। यू कीप अस एंटरटेनिंग, मतलब एक रिक्वेस्ट है फ्रॉम यू एंड योर फैमिली दैट कीप अस एंटरटेनिंग। पक्का पक्का भी जी, खुशी से। इट्स ऑल अबाउट यू नो लव एंड रिस्पेक्ट, एंड तुसी इन्ना प्यार और इन्ना रिस्पेक्ट दिंदे हो। कोशिश होई जांदी है फैमिली चो टाइम कट के, अपने बिजनेस चो टाइम कट के। तो किमनन का मैं माइंड चेंज कराने के लिए ना, मतलब वो बीमार घर पे बीमार लग रही थी, डॉक्टर से परमिशन लेके डॉक्टर ने बोला उसको बाहर ले जाओ, तो मैं इसको एक्टिविटीज़ कराने साइबर अब लेके आया हूँ। यहाँ पे वो अपनी कलरिंग एक्टिविटीज़ कर रही है। करते रहो अंकल, जैसे बोल रहे हैं। तो किमा आप स्लाइम बना रहे हो, ये अंकल आपको सिखा रहे हैं स्लाइम बनाने। देखो उसको मिक्स करते रहो, अंकल आपको दिखाएंगे। आप बनाओ ना, देखो पकड़ो उसको, पकड़ो। हाँ पकड़ो, आगे करो, वेरी गुड, ऐसे। हाँ देखो स्लाइम बन गई, प्रेस करो उसको ऐसे, यस करो, अच्छे से प्रेस करो, तेज तेज। चलो स्लाइम ले लिया, अब चले पैक कर दिया अंकल ने, ठीक है घर जाके खेला। अभी हैंड वॉश कैसे करेंगे, हो जाएंगे यहाँ पे? वो सैनिटाइजर है ना। किमा क्या बनाया आपने, नानी को बताओ। स्लाइम बना दी, अच्छी लगी आपको एक्टिविटी? अच्छी लगी ना आपको? वेरी गुड। क्या लेके आई है? क्या ये हाँ, इसने स्लाइम बनाई है। कुछ लिमिट नहीं है, इसने जब बना ली खत्म हो गई, तो क्या करोगे? आप करते रहते टाइम पास। हो गया, पापा एक ही बोला था उन्होंने। चलो चले फिर। अले किमा ये आप क्या बना रहे हो, दिखाओगे। क्या दिखाओगे? अभी दिखाओ, ये क्या बना रहे हो? ये किसने दिखाया आपको?
वेरी गुड, बड़ा शानदार बनाया आपने तो, ये बलून टाइप बना दिया आपने तो, वाओ। इनमें डॉक्टर पर लेके गया था किमनन को, आपने देखा ही था, डॉक्टर को भी दिखा दिया और थोड़ा बहुत उसको गुरुद्वारे दर्शन भी करा दिया आज, क्योंकि गुरुद्वारे दर्शन कराना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और डॉक्टर ने बोला है कि कल मतलब काफ़ी बेटर है किमनन, इसके जो गले में थोड़ा सा जो टॉन्सिल्स है, टॉन्सिल्स के ऊपर थोड़ा सा इन्फेक्शन हो गया, उसमें थोड़ी पस पड़ गई है, तो वो एक हफ्ते की उन्होंने एंटीबायोटिक्स दी हैं, उसकी वजह से ही फीवर आ रहा था, तो वो कह रहे ठीक हो जाएगा, कोई ऐसी टेंशन की घबराने की बात नहीं है, एक आध दो दिन फीवर आ सकता है, उससे घबराना मत। तो बाकी परसों का जो एपिसोड हुआ था आपने देखा था, फेंट हुई थी उसके बाद से काफ़ी डर गई थी वो, तो डॉक्टर को मैंने वो भी डिस्कस किया, वो कहते हैं बच्चों में कई बार वो स्ट्रेस ले लेते हैं, तो आप उसका मन डाइवर्ट करने के लिए उसको थोड़ा बहुत बाहर घुमा फिरा लाओ, उससे उसका मन डाइवर्ट रहेगा, उससे सामने ऐसी बातें मत करो। मैं ठीक है डॉक्टर, कोई बात मैं नहीं करूँगा। तो शाम को मैं किमन को साइबर ऐप ले गया था, वहाँ पे थोड़ी बहुत एक्टिविटीज़ वगैरह की, उसने ट्रेन राइड की, तो वो करा के मैं उसको लेके आया हूँ अभी। मैं का बच्चा खुश होना चाहिए और कुछ नहीं, तो बस अब 11:15 हो गए हैं, अभी किमन को मैं सुलाऊंगा, अभी किमन कुछ बेटर फील कर रही है, तो बस ठीक है। इस ब्लॉग को मैं अब यही एंड करूँगा, अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो, यहाँ तक आपने ब्लॉग देख लिया, तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना। कल फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नए दिन के साथ में। अभी के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय। आज की मैं ब्लॉग एंड करेगी। वेरी गुड, देखा आपने किमन ने भी लॉग इन कर दिया ना आज, बाय बाय। ये मेहनत आज खुद के पैरों पे जगह बना ली मैंने यहाँ पे दिल में गैरों के, मंजिल से भी बड़ी ये चीज मेरी जीत, आपके मुस्कुराते